जब से बिहार में बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया गया, तब से भाजपा नेताओं ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। और जिस तरह अमर्यादित टिप्पणी लगातार की जा रही है, अभी बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा कि मिट्टी में मिला देंगे। अरे जिसको पहले ही 2022 में ही भाजपा को राजनीतिक रूप से मिट्टी में मिला दिया, अब वो क्या मिट्टी में मिलाएंगे नीतीश कुमार को? जिस भाजपा को 2024 में राजनीतिक रूप से मिट्टी में मिलाने की तैयारी हो चुकी है, अब वो क्या ये सब प्रवचन करेंगे, ज्ञान देंगे? हम ऐसी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है। तो देखिए, ऐसे बयानों से किसी का लाभ होने वाला नहीं है। ये दिख रहा है, ये तो झलक है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर जो झल्लाहट है, बौखलाहट है, ये बता रहा है कि उनको 2024 की कहानी जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है तमाम विपक्षी पार्टियों की एकजुटता बनाकर, उसका एहसास हो गया है, इसलिए वो भयभीत हैं, इस तरह का बयान दे रहे हैं। इसका कौन नोटिस ले रहा है? एक नाबालिग सहित 7 लड़कियों ने यौन उत्पीड़न संबंध भूषण सिंह के खिलाफ सीपीपीएस में शिकायत दी, लेकिन अभी तक मामला दर्ज नहीं किया गया है। पॉक्सो का मामला होना चाहिए, हम 2.5 महीने से इंतजार कर रहे हैं। तत्कालीन WFI प्रमुख और बीजेपी के कद्दावर नेता भूषण सिंह के खिलाफ परवानों में विरोध प्रदर्शन जनता में करते हुए बात कही। देखिए, ये तो काफी दिनों से ये मामला चल रहा है उनके खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी मौन है और सारे जो खिलाड़ी हैं वो हैं। ये संगीन आरोप है, गंभीर आरोप है। हम तो यही मांग करेंगे कि इसकी तह तक जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। शिंदे फडणवीस सरकार का डेट वारंट जारी हो चुका है, सिर्फ तारीख का ऐलान होना बाकी है। मैंने पहले ही कहा था कि शिंदे सरकार फरवरी में गिर जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में देरी के कारण इस सरकार की लाइफलाइन बढ़ गई। यह सरकार अगले 15-20 दिनों में गिर जाएगी, शिवसेना के नेता संजय राउत ने यह कहा है। नहीं, देखिए, शिंदे जी की सरकार महाराष्ट्र में जिस तरह से बनी है उसी तरह से बिगड़नी भी है, और जैसी करनी वैसी भरनी। जो महाराष्ट्र में खेला हुआ उसके बाद से ही बिहार में हम लोगों ने बदला लिया, तो बीजेपी का सारा खेला करने का फॉर्मूला धरा का धरा रह गया। ये बिहार और झारखंड में भी लगे हुए थे। तो ये शिंदे जी की सरकार किसी भी समय दम तोड़ेगी महाराष्ट्र में और फिर से उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, इसकी आशंका तो जताई जा रही है। और हमें लगता है कि किसी भी समय यह खबर आ सकती है कि महाराष्ट्र में शिंदे जी की सरकार की विदाई हो गई। काफी दिनों से फरार चल रहे अमृतपाल खालिस्तानी समर्थक, उनकी गिरफ्तारी के बाद पंजाब के सीएम देखिए उनकी गिरफ्तारी हुई है और हम समझते हैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत अच्छी ये पंजाब सरकार ने पहल की और उन्होंने उनके गिरफ्तारी के बाद जो संदेश गया वो ये दिख रहा है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो कोई हो, कितना भी ताकतवर हो, लेकिन अपराधियों की, आतंकवादियों की, उग्रवादियों की ज्यादा दिनों तक नहीं चलती है। आखिर कानून के सामने सबको नतमस्तक होना पड़ता है, कानून का हाथ बहुत लंबा।